ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल होगा? कविता ओके ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो आज मेनली जो हमारा कल का टॉपिक कुछ छूटा हुआ था या जो अननेसेसरी है, बस उनको कवर करते हुए आगे निकलते हैं ताकि जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो जाए। ओके, कुछ बेसिक चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। कल जैसे यूक्लिडियन अल्गोरिदम हमने देखा था, ठीक है, कि अगर दो नंबर हो तो उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए कोमा बी कोई है सच दैट ए ग्रेटर देन बी है, इस टाइप से, और ए मतलब ए इंटीजर थे, तो हम लोग ऐसा था कि कुछ बी क्यू प्लस आर इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू और आर भी इंटीजर है, ये हमने देख लिया था। ओके, अब यहाँ से ज़्यादा टाइम ना लेते, मैं सिंपली इश्यू करना चाह रहा हूँ कि एज्यूम कर लीजिए कि आपका ए और बी है और इनका कुछ जी सी डी डी है, ठीक है, तो इनको हम लिनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर अगर इस टाइप का हमें कोई सेंटेंस देता है और पूछता है कि इसके इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉरी इंटीजर सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, पहला तो ये बात होंगे, इसके बाद में क्या होगा वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का जी सी डी, ए और बी का जी सी डी डी को डिवाइड करेगा तो हम बोलेंगे इसका इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 2x + 10y = 7, क्या इसके इंटीजर सॉल्यूशन होंगे? ठीक है, मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा दे दिया मोर देन 1 बट फाइनाइटली, मतलब जैसे 100, 200, 500, 1000 ऐसे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सोल्यूशन होगा, इसका मतलब है थर्ड ले लीजिए इन्फाइनाइटली मैनी, ठीक है, फोर्थ लीजिए नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मान लो अगर डिजाइन करके कुछ क्वेश्चन में लिखे तो थोड़ा डिजाइन करके लिख सकते हैं। तो मैं डिजाइनिंग वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे उसमें आपको कंडीशन दिया रहेगा कि लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड एंड दिस बला बला समथिंग, तो कंक्लूजन ये है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर करता है जेड, अगर ये जेड से नहीं होता तब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, तब तो इन्फिनेटली मेनी हो जाएंगे, बट अगर जेड से है तो हमें इन कोफिशियंट का देखना है जी सी डी। अगर इसका जी सी डी इस नंबर को डिवाइड करता है तो उस केस में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अब वो क्या होगा वो अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ से इस केस में देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ 2 और 10 का जी सी डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 does not divide 7, सो इन दैट केस देर नॉट एग्जिस्ट एनी सोल्यूशन, सो ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट एंड ऑल दिस विल बी रॉन्ग। अब यहीं पे एज्यूम कर लीजिए मैं कुछ 72 दे देता, ठीक है, 72 हो गया तो इवन हो गया और 2 इसको डिवाइड कर रहा है, सो इन केस सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन कितने होंगे। ओके, तो अब वो कंग्रुएंट इनकंग्रुएंट पढ़ेंगे वो बाद की बात है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस सब ऑप्शन को हटा के मैंने लिख दिया सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दूसरा नो सॉल्यूशन, इस टाइप से ऑप्शन क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। तो इस केस में आपका हो जाएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये था कि अगर इस दोनों का जी सीरीज को डिवाइड करता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड थिंग, अगर हमें कोई भी दो नंबर दिया हुआ है जिनका जी सी डी कुछ डी हो रहा है तो इस नंबर को हम इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। ये आगे जाके पता चलेगा कि सब एक ही बात है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, इसमें दोनों तो हो गया, आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, बहुत जैसे मान लीजिए कुछ 5x + 17y = कुछ भी नंबर, यहाँ पे कोई भी इंटीजर दे दिया जेड से, ठीक है, इसका ऑलवेज सोल्यूशन होगा। क्यों? तो आपको देखना बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि दोनों का जी सी डी 1 होता है, यहाँ पे जी सी डी आपका 1 हो जाएगा, तो जी सी डी 1 हो जाएगा तो यहाँ कोई भी इंटीजर हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, 1 ऑलवेज डिवाइड दिस। ओके, तो इन दैट केस ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट, वो क्या होगा वो अलग मैटर, हम सोल्यूशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस नेचर देखने में इंटरेस्टेड है कि सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने इन जनरल पढ़ा था कि मान लो 2 डिवाइड कर रहा 4 को, 4 डिवाइड कर रहा 4 को,
तो इसका मतलब ए नहीं हुआ कि 2 × 4 भी डिवाइड करेगा, 4 को फर्स्ट डे हमने यही डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, एक्चुअली हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो, और थोड़ा जीसीडी पे मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस किया था। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है, मीन्स अगर ये दोनों को प्राइम है, ठीक है, अगर ये दोनों को प्राइम है तब तो इनका प्रोडक्ट इसको डिवाइड करेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम डेफिनेटली ये नहीं कर सकते कि डिवाइड नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड करने के लिए कंडीशन है कि दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इन जनरल कंसेप्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, देन इम्प्लाई ए बी डिवाइड सी इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये लॉजिक है, इसका हम लोग यूज करेंगे, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से बहुत सारे भी रिजल्ट, जैसे यहाँ पे अगर हम इतना, इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सॉरी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ हमें क्या दिखाना था कि ये सी को डिवाइड कर रहा होगा ना, तो ऐसा करिए दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। ए डिवाइड करा सी, तो यहाँ से सिंपल लॉजिक है, बहुत ईजी है। मान लीजिए कि मैंने बोला कि ए डिवाइड कर रहा है सी को, ठीक है, इधर डिवाइड कर रहा, इसका मतलब ई साइड भी डिवाइड कर रहा होगा, क्लियर। तो ई साइड डिवाइड करेगा तो देखिए इसमें तो ए का मल्टीपल है, तो इसको तो ए डिवाइड ही कर देगा, इसका मतलब कंक्लूजन क्या बचा, ए वाला। तो इसका मतलब हुआ कि ए डिवाइड करेगा यहाँ पे, सॉरी नहीं 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 ए सी था ना हमारे पास, ए लिया तो ए तो इसमें है, सी को दिखाना था, कोई एक नंबर होगा, ओके। इसका एक्चुअली अलग से है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना से हमारा काम चल जाएगा। इसको अभी हम लोग लिख करते हैं, तो ए हमारा क्या था, जीसीडी वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बाकी तो एक चीज़ हमने पढ़ाई है कि मान लीजिए कोई हमारे पास प्राइम नंबर पी है, ठीक है, और किसी एन नंबर को डिवाइड कर रहा है, एन क्या है, जो प्राइम्स का प्रोडक्ट है या प्राइम कुछ भी हो। मान लीजिए प्राइम हम लोग कुछ इस टाइप से कंपोजिट नंबर को पढ़े थे, ठीक है, पी एन के पावर एन, ठीक है। अगर कोई प्राइम इस एन को डिवाइड कर रहा है जो इस टाइप का हमने जिसको लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली जो होगा ए पी किसी पी आई को डिवाइड कर रहा होगा फॉर सम आई, जहाँ आई क्या है, लेस देन और एन तक, इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम वैसे भी जानते हैं, बस इनको लिखने का तरीका था, ठीक है। और भी ऐसे छोटे मोटे रिजल्ट हैं, तो मान लीजिए ए इस टाइप से, मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा 2 × 3, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे 6 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका यही वाला कंसेप्ट है कि जैसे अगर कोई प्राइम हमने लिया तो इस नंबर से 6 को डिवाइड कर रहा है, और 6 को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे, तो जो कोई एक प्राइम इसमें से एग्जिस्ट करेगा जिसको ये डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर शो कर दिया, दूसरा यहीं से एक लॉजिक और निकल के आता है कि ए डिवाइड कर रहा किसी बी सी को, तो इसका मतलब अगर किसी एक, मान लो इसका जी सी डी इसके साथ 1 है, तो ए सी को डिवाइड कर देगा, ठीक है, कब, अगर जी सी डी ऑफ ए और बी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, और इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है कि सी को ही डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले वो लिखा था कि अगर ए और बी का जी सी डी कुछ डी हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारे पास रिजल्ट बन जाता है कि डी, मान लीजिए डी भी हो सकता है ना, डी के अलावा भी कुछ और हो सकता है, तो डी ए तो इसके लिए हो गया, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि एक मैंने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसका हमें नेचर चेक करना होगा, तो क्या करेंगे, तो इस रिजल्ट को अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता था कि अगर ए बी का जी सी डी डी है, तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। दूसरा था कि ए बी का जी सी डी अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका की पॉइंट है। आपको क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ की पॉइंट दिया रहता है, तो उसका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये मैं नहीं लिखूं तो रियल पे बात कर रहा, तो रियल पे तो कोई बात करने का मीनिंग नहीं। हमें पता है एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनेटली मेनी पॉइंट लाइक करते हैं हम। यहाँ पे इंटरेस्टेड है सिर्फ इंटीजर में। इतना है सोल्यूशन, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब इसका जी सी डी क्या था, अगर हमारे पास जी सी डी डी था तो डी क्या करे, इस सी को डिवाइड करे, ठीक है। तो ए फंड वाली इफ है, मतलब हो गया कि अगर इनका जी सी डी, सॉरी क्या मैंने लिखा था, ए फंड वाली इफ डी डिवाइड सी, यानी डी क्या था, इसका जी सी डी था। इसका सोल्यूशन होगा इंटीजर सोल्यूशन अगर इनका जी सी डी सी को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड, अगर कोई इसको कन्वर्स में हम लोग कैसे बोलेंगे, फर्स्ट में इसको बोला कि इसका सोल्यूशन होगा अगर डी इसको डिवाइड करता है। सेकेंड, यहाँ से दो, एक्चुअली मैं दो रिजल्ट बनाना चाहिए, एक तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, दूसरा वाला इफ एंड ओनली इफ है, तो दो रिजल्ट बनेंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, ऐसे कर सकते हैं, अगर ये सोल्यूशन है इम्प्लाई करता है डी डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जी सी डी होगा इसको डिवाइड करेगा। सेकेंड है, अगर जी सी डी इनको डिवाइड कर रहा है तो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि अगर ए इसका सोल्यूशन है तो ए इम्प्लाई करता है कि डी सी को डिवाइड करेगा, एक रियल्ट ए हो गया। सेकेंड, अगर सी डिवाइड कर रहा है, सॉरी डी डिवाइड कर रहा है सी को, तो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना मनीष, क्लियरली? यस कालिका। ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस रिजल्ट से हो जाएगा। ज़्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा है हमारे इस टाइप से, इसमें रिजल्ट बेस्ड ही होता है, इसमें प्रूफ जाने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रूफ नोट्स में आपको मिल जाएगा, और सिंपली जो थोड़ा देर पहले मैं यहाँ पे शुरू किया था ना, वहीं वाला प्रूफ है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिंपली इसमें हम लोग देख ले रहे हैं, एक अलग एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द इंटीजर सोल्यूशन एक्स एंड वाई ऑफ क्या है, हमारा इक्वेशन जो होगा कुछ मान लो 49x + 7y = 15 ही मान लो, ठीक है। अब इसके बहुत सारे कुछ हम कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, तो मान लो कि गेट के एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करो, फाइंड द इंटीजर सोल्यूशन एक्स, ने आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, नेचर नहीं बताना है, ठीक है। तो आप पहला क्या क्या करोगे कि इन दोनों का जी सी डी देखोगे, तो जो जी सी डी होगा 49 and 7 का, ये 7 हो जाएगा, एंड 7 डज नॉट डिवाइड 15, सो दे आर नॉट एग्जिस्ट इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ कुछ ना कुछ उस टाइप का रहेगा जिसमें मान लो ऑप्शन नो सोल्यूशन या जो कुछ भी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये डिवाइड कर गया, मान लो कि कुछ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, वो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मान लो कुछ 14 हो गया, ठीक है, सॉरी तो 7 ही था, ठीक है, यहाँ पे तो 7 तो डिवाइड कर दिया 14 को, ठीक है, तो इसका मतलब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अब सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जो भी मेथड फॉलो करें, तो हम कंपटीशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हम इजी वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका जी सी डी क्या था, 7 था, आपको क्या करना है ना, इस 7 से कुछ ऑपरेशन करते 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 लास्ट में आपको ए स्ट्रक्चर ला देना है, ए स्ट्रक्चर ला के आपको ए इक्वल कर देना है। अब वहां से देखोगे कि 49 × something रहेगा प्लस 7 × something रहेगा, और जो ये समथिंग रहेगा यही एक्स का वैल्यू हो जाएगा, वही वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल को हम लोग एक बार करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बात बन ही रहा होगा। ओके, जो लोग नंबर 3 पढ़ लें अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका रिकॉल भी साथ में होता जाएगा। ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है, आप लोग जो लोग जानते हैं वो ट्राई करिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। जो जानते हैं वो सोल्यूशन बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो 7 को, एक तो जो सिंपली मैंने बताया था वो वाला से देख लेते हैं, 7 था ना 49, अच्छा डायरेक्टली आ जा रहा है,
ठीक है, मतलब जीरो आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज चीज और यूक्लिडियन एल्गोरिथम था ना, उसको याद करिए। वो क्या था, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग लिख रहे थे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या था, ठीक है, अभी डिमांड आर के बाद में। जीरो। हाँ हाँ जी, ये चीज होगा सॉल्यूशन ऐसे, क्विकली आंसर बताना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसका मैं तरीका बता, जो हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़े थे ना, उसी का एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ से देखिए, इस टाइप से लिख सकते हैं, हमारा बड़ा वाला यहाँ कौन सा है, 49 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 है, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से आप क्यू को क्या, हमने बोला था कि क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जेड से, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 और प्लस 0 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे करिए कि आपका, सॉरी कहाँ गया, ये कहाँ दिखता था, 49, ओके, ठीक है, हमें 14 पे पूछना है ना, 49 और तीसरी 7 है। इसको मैक्सिमम हमें यहाँ तक जाना है, ओके। इसको कुछ हम लोग यहाँ से वापस हमें इस स्ट्रक्चर में जाना है, तो एक तो ये हो गया तरीका, लेकिन ये तो यहीं पे हम लोग पहुंच रहे हैं, हमें इस स्ट्रक्चर में लाना है इसको, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में लाने के लिए ओके, आपका तो सही है, ठीक है। आपने कौन सा डिओफेंटाइन वाला मेथड यूज किया है या इससे यूज किया है? नहीं सर, जो जीसीडी आया उसे चेंज कर लिया, जीसीडी सर 7 आया है, तो 7 को मैंने सर 49 और 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लिया है, 7 इज इक्वल टू। एक तो डिओफेंटाइन वाला, मतलब दोनों एक ही बात है, एक तो आता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करिए या फिर आप यहाँ उससे डिफरेंट से करिए। तो यहाँ से आप इसको, आपको क्या, हमें 7 को लिखना था इसके कम्बिनेशन का फॉर्म में ना, मतलब कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो भी होगा प्लस 7 यहाँ पे जो भी होगा, यही वाला है ना मेथड हमारा जो करते हैं हम। ओके, तो इसका सिंपली हम वहाँ से चलते हैं कि ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा आपको मुझे लग रहा है एक दो लाइन में ही आ जाएगा। तो आपको इसको स्टार्ट और लास्ट लाइन से करते हैं, लास्ट वाला मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या था। ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 49 हमारा 7 से करना, वैसे तो देखो हीट एंड वो तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं प्रोसीजर। हाँ जी सर, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सर 49 और 7 का जीसीडी से 7 आ रहा है, सेवन आ जा रहा है, बस 49 इसमें यही है कि क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 बच जा रहा ना, इसमें डायरेक्ट ही कैलकुलेशन होगा। डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप सिंपलीफाई करके इसको ऐसे कुछ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे डायरेक्टली हो जा रहा है, तो इसमें इसमें कोई कैलकुलेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सर 1 की वैल्यू निकाल के इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, ये होगा, तो यहाँ से तो इजीली, यहाँ से तो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं इसमें, मतलब दो चार स्टेप हो ताकि जो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, इसी में करवा देते हैं इनको। इसको हम लोग इस इक्वेशन को इतना लिख सकते हैं, ठीक है, और 7 और 1 का जीसीडी 2 है, सॉरी 1 है और 1 2 को डिवाइड कर रहा, तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। इसमें कुछ हमने ज्यादा वो नहीं किया, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसका जो सोल्यूशन होगा वही होगा, इसमें 2 से 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बोला था 7 और 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म वाले को हम करते हैं डायरेक्टली, इस पे नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्टॉक हो जाओगे आप।
ओके तो यहाँ से हमें इसका जीसीडी वन आ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर जीसीडी वन हो तो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में इस टाइप से, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो बात वहीं आ रहा, अब क्या करो दोनों साइड ये इक्वेशन तक हमें पहुँचना है ना, ठीक है। तो अगर दो से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो ये हमारा आपका जो सोल्व होने के बाद ना आर एच एस वाला इक्वल करना है, तो दो से दोनों साइड मल्टीप्लाई इसको सर ऐसे कर लेंगे सर, वन इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स करके, सेवन इंटू वन और फिर वन इंटू सिक्स। तुम जी सी डी वाला कर रहे हो मतलब जैसे सर अब इसको जैसे ऊपर फॉर्म से सेवन और वन के फॉर्म के मल्टीपल में लिखना है तो इक्वल टू सेवन इंटू सेवन वन जा सेवन माइनस सिक्स इंटू वन। यहाँ पे इसको सर टू लाना है यहाँ पे तो टू से मल्टीप्लाई कर ये हमें ए वाला स्ट्रक्चर पकड़े रहना है इसी को, बाकी जो आएगा वो अलग इशू है। अब इसमें देखो हमारे यहाँ पे सेवन है और यहाँ पे वन है, ठीक है। अब इधर हमें दो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आरजीएस में देखिए दो है, दोनों साइड दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू इंटू वन हो जाएगा सेवन। इसको एज इट रहना है, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करना है। अभी अंदर वाले में आपका दो आ जाएगा प्लस इधर ए वन ही रहेगा, अंदर वाले में ट्वेल्व आ जाएगा। ए वाला आपका जो यहाँ पे है वो चीज रहेगा और यहाँ पे जो वन है वो वन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए भी आर एच एस इक्वल हो गया, पूरा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आपको पहुंचना था तो दोनों साइड आप सेवन से थ्री मल्टीप्लाई कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसका लिस्ट फॉर्म को सोल्व करना है। तब यहाँ से देखिए कंपेयर करिए इस इक्वेशन से, इधर था सेवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू था, तो कंपेयर करने पर आपको एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व मिलेगा, ठीक है। इसका तरीका एक मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन मैं सोच रहा था उस मेथड को बताने से कैसे हम लोग बैक ट्रैकिंग करके करते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा पूछे भी नहीं। एनीवे फिर भी मैं इसको कोई नंबर ले लो जैसे जिसमें दो चार स्टेप जाए। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 172x प्लस 20y इक्वल टू 100। एक्चुअली डायरेक्ट था ना, तो अब यहाँ पे इसका जी सी डी निकालिए तो 172 और 20 का जी सी डी क्या होगा आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं तो रफली मेथड से कर लूँगा। फोर आएगा। यस ओके। जो लोग नया नया सीखे थे ना मेथड एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि आपको अपना एग्जाम लिखना है किसी और का नहीं, इनको मेथड पता है इन्होंने फटाफट निकाल लिया, तो आप लोग भी एक बार इसको करिए। सबका जी सी डी फोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर फोर आ रहा है। ठीक है, तो जो जी सी डी में आप मेथड जो अगर वो डिवाइड वाला मेरा वाला मेथड यूज करोगे ना तो वहां से डायरेक्टली ये चीज हो जाएगा। जैसे हमने इसमें क्या करना है, छोटा वाला से बड़े वाले को मैंने ए मेथड बताया था, तो इसको छः बार में हो जाएगा, सॉरी एट बार, एट टाइम्स में होगा, एट टाइम्स में हो जाएगा 160, इधर आ जाएगा 12, फिर हो जाएगा 20, फिर 1, 12, ये हो जाएगा 6, फिर 12, यही आएगा क्या अपना? मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? तो 20 माइनस 12 8 होगा, वहाँ 6 नहीं होगा। यही चीज आपको भी ध्यान रखना है ऐसे, क्योंकि आते हुए चीजें गलत हो जाती है, जैसे मैं अभी गलत कर दिया था। ओके 8 4 आ जाएगा 4 जी, ठीक है। तो अब आपका आपका जी सी डी क्या हो रहा था, ए वाला चीज मैंने बताया था, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इस लिस्ट फॉर्म इसको बैक लिखते जाओ, ठीक है, और लिखते लिखते आपको यहां तक पहुंच जाना है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा यही वाला आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा क्वेश्चन है तो इजी पड़ेगा समझाने में आपको। अब देखो फोर को हमें इस दोनों के कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, यहाँ से हम लोग फोर को क्या लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं 12 माइनस 8 ऐसे लिख सकते हैं। ए हमारा उससे क्या होता था, ए बराबर होता था बी क्यू प्लस आर, तो आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आर बराबर ए माइनस बी क्यू, ठीक है। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर अगर 4 है तो
ए फोर हो गया, ए क्या था जो बड़ा वाला नंबर था, बड़ा वाला कौन सा था, ए बारह वाला, फिर माइनस बी क्यू, बी क्यू हमारा ए वाला है ठीक है, तो बी ए हो गया, ए क्यू एग्जिस्ट कर रहा था, तो 12 माइनस 8 इंटू 1, क्लियर। अब इसके बाद आपको पहुंचना यहां तक है ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना स्टेप, यही ड्यूफेंटाइन मेथड बन जाता है ठीक है। आप इसको नाम जानिए चाहे मत जानिए, इसको बैक में इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको अब यहाँ से हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, हमें पहुंचना है इस, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बार बार, इस पे ध्यान जा रहा है ठीक है, हमें पहुंचना है 170 और 20 पे। अब देखिए आप नेक्स्ट किसको चेंज करेंगे ठीक है, आपके पास 12 है और 8 है ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है आपके पास रिमाइंडर कौन सा है, 8 वाला है, आप फिर से 8 को चेंज करेंगे, तो 12 माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 12 इनटू 1 ठीक है, इतना लिख सकते हैं ठीक है। अब जो एक टाइप का उसको एक साइड रख लीजिए, देखिए 12 वाला एक डाटा हो गया, एक ए वाला हो गया, तो इन दोनों को एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 20 ठीक है, सही है ना, सिंपली देखो माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया तो माइनस 20 एजिट आ गया, 12 कॉमन लिया तो 12 इंटू 2 इतना तक आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट किसको चेंज करेंगे, जो रिमाइंडर कौन सा है 20 वाला था, 12 वाला, तो इस 12 को चेंज करेंगे ठीक है, तो 12 को चेंज करेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 172 माइनस 20 इंटू 8 ठीक है, तो लिख देते हैं 12 को लिखेंगे 172 माइनस 20, सोल्व नहीं करना है आपको, बस लिखते जाना है इतना, लास्ट में क्या था 2 माइनस 20, क्लियर। अब देखिए आपका 170 और 20 वाला डाटा आ गया, 170 इंटू 2 हो जाएगा ठीक है, इंटू 2 माइनस 20 इंटू 16 माइनस 20 ठीक है। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 172 इंटू 2 माइनस इधर 16 से, यानी माइनस हो जाएगा 20 इंटू 17। अच्छा हमारे इस प्लस फॉर्म में इस स्ट्रक्चर में पहुंचाना है ठीक है, ये इक्वल टू क्या था हमारे पास 4 था ठीक है। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास आ गया 172 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 17 इक्वल टू 4 ठीक है, हमारे पास यहाँ तक था ना, इधर तो हमें 100 तक पहुंचना है, अभी इस स्ट्रक्चर में नहीं पहुंचे, तो इस स्ट्रक्चर में करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ठीक है, प्लस 20 इंटू माइनस 17 इक्वल टू 4। अब आपको 100 पे पहुंचना है ना, तो प्लस इंटू 25 हम लोग कर देंगे तो बात बन जाएगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है जैसा स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा प्लस 20 एजिट रहेगा, अब इसमें आप कर दीजिए जो भी हो, माइनस 17 इंटू 25 मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, और ये 100। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक ही बात बन गया, अब कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करने पे आपका एक्स क्या आ जाएगा 50। अलख निरंजन आपने कैलकुलेशन किया था इस क्वेश्चन का, yes, sir. तो इतना ही आ रहा है क्या, yes, sir, इतना ही आ रहा है ओके। बाकी लोग इस मेथड को समझ गए, यही है आपके नंबर थ्योरी में ड्यूफेंटाइन इक्वेशन ठीक है, इसी को इसी मेथड को इसमें करते, अगर आप ए वाला डिवीजन में यूज कर रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, और अगर आप मान लो ऐसे फैक्टराइजेशन करके कर रहे हैं ठीक है, इसमें देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो उससे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसमें तो क्या है जो मैंने डिवीजन वाला बताया इसमें आपको दिखते जाता है कि किसको किस फॉर्म में लिखना है, तो आपको जो ठीक लगे, आपने जो अब तक पढ़ा हुआ है जो मेथड फॉलो करते हैं उसी करिए, नया सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस मेथड को, इसे आपको सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, बस फटाफट लिखते जाना है ठीक है। तो यहाँ से हमें ए पता चल गया, तो ए हो गया पहला था सोल्यूशन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर इन दोनों का जीसीडी इसको डिवाइड ना करे, सेकेंड थिंग अगर डिवाइड कर गया तो सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन आपका ए चीज होगा, ए निकालने का तरीका है। अब इसके आगे आता है कंग्रुएंट इनकंग्रुएंट ठीक है, तो वो जरूरत के अनुसार हम लोग कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा और इसी में कंडीशन है, इससे पहले एक दो हम लोग रिजल्ट देख ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे यहीं पे हम लोग रुकते हैं, और इधर मैं मिटा दे रहा हूँ,
ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका आपको ज़रूरत है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको रिकॉल कराना पड़ जाता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपने फर्स्ट टाइम अगर किया होगा तभी आपको लेंदी लगेगा, अदरवाइज ये बहुत ही, आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरा इसको किए होंगे। तो एक चीज़ और होता है कि हमने पढ़ा था कि अगर ax + by = c इन दोनों का जी सी डी इसको डिवाइड करता है तो इसका सोल्यूशन होगा। तो डिवाइड करता है इसका मतलब इसका जी सी डी कुछ डी मान लीजिए, हमने डी ही माना था ना, डी था जी सी डी ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, इसको मैं अलग पेन कर लेता हूँ, ठीक है, ए जी सी डी है तो दोनों इसको डिवाइड कर रहा था, क्लियरली हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, अब जो भी हो चीज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का जी सी डी था, तो अब डिवाइड कर दिया इसे, तो अब इसका जी सी डी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एग्जाम्पल 2 और 6 का जी सी डी 2 है, तो डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, 1 और 3, अब इनका जी सी डी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये वही बस मेथड है, तो वो ये कहता है कि अगर इन दोनों का जी सी डी ए और बी का कुछ डी है, तो जो सिंपल सी है तो इसको डिवाइड करने के बाद जो बनेगा इनका जी सी डी 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका ज़रूरत के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में आते हैं जो हमने किया था, ओ सॉरी कुछ चीज़ें में ये वाला मेथड, ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ स्टेप गायब कर दे, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या करना था, हमें एक सॉल्यूशन पता चल गया, इसको मान लीजिए जो हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया ये हमारा 50, और इसको मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग सॉल्यूशन है, सो जो भी होगा मैं कैलकुलेशन नहीं करा बस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ये स्टार्टिंग में अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का ये रिजल्ट कहता है, इसको रिजल्ट कर लीजिए, इसको नीचे मिटा दे रहा हूँ, ओके। रिजल्ट कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, एल सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, जो हम इन जनरल का लिखे थे ax + by = c, अगर इसका सॉल्यूशन है, इसके जो अदर सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, मतलब जो अदर कंग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे, मान लीजिए कुछ एक्स डैश नाम दे दे रहे हैं, एक्स डैश हो जाएगा ax0 + b/a, कुछ टी ले लीजिए, और जो वाई डैश दे दे रहे हैं वो कुछ हो जाएगा y0 - a/d (t), जहाँ टी आपका कोई भी इंटीजर है, और कंडीशन होता है कि इस ए और बी का जी सी डी जो था वो डी था, ठीक है, ये डी होगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये डी होता है, ठीक है। जो हमने इसका जी सी डी ए और डी का लिया था, यहाँ पे क्या था हमारा, भूल गया, 4 आया था ना, ठीक है, यहाँ पे 4 आया था, तो इसके जो अदर सॉल्यूशन हो जाएंगे x = x0 क्या था 50 + b, क्या है हमारा ax b/, तो b 20 है, 20 अपन में जी सी डी था 4, और इसको 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 50 + 5t, ठीक है। अब t का आप वैल्यू इंटीजर्स लेके रख सकते हैं, तो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। जब आपको किसी इंटरवल में पूछेगा ना, तब एक काम आपको वहाँ पे करना होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मान लो, अच्छा इसको मैं अभी करवा ले रहा हूँ, वाई नॉट आपका हो जाएगा, तो माइनस में होता है वाई नॉट, सॉरी मेरा वाई नॉट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसी को फिलहाल मैं वाई नॉट ही लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है इसको, अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, 25 - माइनस एक कितना था हमारा 172 by 4t, ये हो जाएगा -70 × 25 - 12, ठीक है, ये होगा आपका क्या बोलते हैं, इसके अदर सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन का देखिए, ये तो आपका एक ओरिजिनल जो निकल गया, बाकी जितने भी हैं ये सारे अदर सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यहाँ से अब कभी जैसे मान लो आपको इंटरवल पूछ दिया कि 0 से
100 के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अभी पूछ देगा मान लो 1000 के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको वो कंग्रुएंट सारे सॉल्यूशन से निकाल देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल, एक्स मोड मैंने 5 ले लिया, ठीक है, इंटरवल दे दिया 0 से 6, ठीक है, कि इस इंटर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ए मेथड आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ए वाला कैसे हमने किया, बस आपको ए याद रखना है। इसका भी जरूरत पड़ेगा तो समझा देंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस जानना है कैसे होता है। जहाँ पे हमारा ए एक्स बी वाई सी इस टाइप का दिया था, जहाँ पे डी हमारे ए और बी का जी सी डी था, तो जो अदर सोल्यूशन होंगे आपके ए होंगे, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ओके। जैसे मैं दे दिया कुछ एक्स, एक्स मोड 5 दे दिया और इंटरवल दे दिया 0 से, मान लो मैंने 4 दे दिया, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं होंगे, ठीक है। आप 0 रखो तो 0 देगा, 1 रखो तो 1 देगा, 2 रखो तो 2 देगा। सॉल्यूशन मतलब यहाँ से अगर इसको मैंने कुछ आर नाम दे दिया, इसका मतलब होता है कल मेथड मैंने समझाया था, फिर भी एक बार रिकॉल करा दें। इसका मतलब होता है कि जो 5 डिवाइड करेगा आर माइनस एक्स को, ठीक है, एक मिनट के, आर माइनस एक्स को डिवाइड करेगा। अगर कोई डिवाइड करता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 के टाइप का, ठीक है। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना, मीन्स एक कहाँ कहाँ पे आपको 0 होगा, सिंपली ये समझ जाओ, ठीक है। एक तो 5 का मल्टीपल हो, या अगर हम इस लेंथ का लेते हैं तो उसमें एक, जैसे मान लो मैंने कोई भी ले लिया 2 से लेकर 7 तक लिख लिया, ठीक है, तो इसके बीच में एक नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है सर। इसको मैं 0 दे दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्लियर होगा, या जो भी मैं देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको ये वाला तो आपको मैसेज पता ही है, यहाँ पे कुछ भी मैंने दे दिया, जैसे मैंने 1 ही दे दिया, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 0 पे और 0 दे रहा, 1 पे 1 दे रहा, तो इसका इसमें एक सोल्यूशन आपको मिल जा रहा। तो इसके बाद जो दूसरा मिलेगा, जहाँ से मिलेगा वहाँ से 5 लेंथ के बाद मिलेगा, ठीक है। जैसे 4 है ना, इसमें एक सोल्यूशन मिल रहा, तो कहाँ 1 पे एक सोल्यूशन मिल रहा, तो आपको 5, 6 जैसे इसका लेंथ ले लो, कुछ मान लो 14 ले लो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, उतने सोल्यूशन मिलेंगे। 14 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 दो, मुझे लग रहा है मैक्सिमम 2 सोल्यूशन मिलेगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 11 सॉरी लिस्ट इंटीजर होता है, सॉरी इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ना वो, एक सेकंड, एक लिस्ट इंटीजर होते हैं, ठीक है। इसका आप डिवाइड कर लीजिए, जो होगा इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो जैसे हमारा इससे पहले 0, 4 था, तो 0, 4 का लेंथ कितना है, 4, 4/5 करोगे तो इसका लिस्ट इंटीजर क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मैं 14 ले लिया, ठीक है, तो 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 2 point something जो भी होगा, और इसका लिस्ट इंटीजर क्या दे देगा हमें, 3 दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना होता है। तो अब लोग थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, एक सेकेंड। इसका क्वेश्चन ओके, अभी कुछ और बताना था तो वो चीज़ तो बताया नहीं। चलो जो कल हम लोग पढ़े थे उसी रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन इससे पहले एक बताना पड़ेगा। एनीवे एक माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिए दूसरे का ना वेट मत करिए, आपको लगता है आप तुरंत कोशिश करिए क्विकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की, कि आपका जो आंसर आ रहा है गलत या सही उससे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो आप क्विकली बताने की कोशिश करेगा तो इससे होगा कि हमें भी थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वही देखना ना कि आप कितना जल्दी करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में सॉरी पार्ट सी का क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, इवन तो क्वेश्चन बल्कि ज्यादा इजी होता है कंपेरिजन टू थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देखिए एक बार, ठीक है क्वेश्चन नंबर 80 इसमें कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है एस कोई सेट है, इसको मैं शायद में जगह कोई बात नहीं कर लेंगे, हमारे पास कोई एस सेट है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल का आप लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कुछ ए एक्स स्क्वायर, मतलब अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल हमें लिखना हो तो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं इसको थोड़ा सा ये हमारे पास अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको मैंने मान लो पी एक्स नाम दे दिया, तो एक कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है, जहां पे सारे एआई क्या कर रहे होंगे जेड से बिलोंग कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे शायद आपको तो हिंट में नहीं लिखा गया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ विद इंटीजर कोफिशियंट, ठीक है ए इसका की पॉइंट ए ध्यान रखना है, मैं कभी इस इंटीजर का समझा रहा था, यहाँ पे इंटीजर है तो हम इंटीजर से लेंगे, अगर इंटीजर नहीं दिया होता तो सारे एआई क्या होते हमारे आर्स हो जाते, ठीक है इस क्वेश्चन में जो ए मैंने इंटीजर से लिया ये आपके सारे आर्स हो जाते मतलब रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे हिंट दिया हुआ है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके अगर कोई पहले बना लेता है तो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है इसको सिंपली जो मैं कभी से बता रहा था उसी थ्योरी को लगाइए। थ्योरी क्या है, अगर 5 डिवाइड कर रहा है किसी एन को तो हम लोग एन को क्या लिख सकते हैं 5 के लिए, यहाँ के कोई क्या है इंटीजर है। अब सेम कंसेप्ट लगाइए फंक्शन पे, ठीक है कि फंक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स जो किसी फंक्शन जी एक्स को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब हम लोग जी एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू कुछ एच एक्स मान लो, यहाँ एच एक्स क्या होगा ए भी एक इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा जहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा सॉरी जो जेड एक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख रहे होंगे, इसमें आप एक्स का कोई भी वैल्यू रख दें फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंग, जहाँ एक्स नॉट आपका कोई भी जेड से है तो पी एक्स नॉट हमेशा जेड से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ये शायद आप लोग जानते होंगे। अगर कोई भी आप इंटीजर रखते हैं एक्स की जगह तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग पी एक्स मिलेगा वो हमेशा जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है इस रिजल्ट का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, जो हमने नंबर्स के लिए किया था वही वाला सेम था, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में दे रहा है ये वाला, ठीक है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स कंग्रुएंट 1 मोडुलो एक्स माइनस 1 एंड एफ एक्स कंग्रुएंट 0 मोडुलो एक्स माइनस 3, ठीक है इस क्वेश्चन में आपका इनिशिएटिव क्या होगा, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 1 मोड क्या था सॉरी 1 था वन सॉरी सॉरी यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था मोड एक्स माइनस 1 अरे ये था 0 मोड एक्स माइनस 3, ठीक है
एक चीज और कल बताया था, रिकॉल करवा दे रहा हूँ, हम लोग ए कंग्रुएंट बी मोड एन को क्या लिख सकते हैं कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, या फिर लिख सकते हैं यहीं से ये निकल जाएगा कि ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से देखिए एक्स माइनस वन डिवाइड करेगा आपका एफ एक्स माइनस वन को, इस पहले से देखिए इतना चीज होगा। इसका मतलब हम लोग एफ एक्स माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन कुछ एच एक्स, जहाँ एच एक्स क्या है जेड एक्स से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, जो एच एक्स है यहाँ का नंबर है। उसी तरह अब इससे हमारा क्या इम्प्लीमेंट होगा कि एफ एक्स जो एक्स माइनस थ्री है वो डिवाइड कर रहा होगा आपको एफ एक्स को, एफ एक्स माइनस जीरो करेगा तो एफ एक्स माइनस जीरो एफ एक्स ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू कुछ एच है तो मान लो इसको एच वन मान लेते हैं हम लोग, इसको एच टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए आपको दो चीज़ें पता चल गई, सॉरी कहाँ गया, हाँ एक एफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा एक एफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा एफ एक्स को क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन टाइम एक्स माइनस वन टाइम एच वन एक्स प्लस वन इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एच टू एक्स। अब हमें देखो ऑप्शन क्या, एक बार ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बोला है कि एस क्या सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, मीन्स इसके सारे कलेक्शन को इसने एस नाम दे दिया है। ठीक है, इसका कलेक्शन ले लिया जितने भी पॉलिनोमियल्स सबके कलेक्शन को एस नाम दे दिया। ठीक है, और उसी एस के सारे ए एच वन एच टू एफ एक्स जी एक्स जितने सारे इसी एस के मेम्बर हैं। ठीक है ओके, बोल रहा है तो एस में एक भी मेंबर नहीं होंगे, एस में एक मेंबर होगा, इसमें बहुत सारे होंगे लेकिन फाइनेटली होंगे, इसमें बोला काउंटेबली में नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे केस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर पी एक्स है कोई पॉलीनोमियल है और एक्स नॉट कोई आपका जेड से बिलोंग कर रहा है तो पी एक्स नॉट भी जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट को यूज करें तो मेरे को सिंपली या तो इसको वैनिश कर दो या तो इसको वैनिश कर दो, चलो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो लेट एक्स बराबर वन, ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, वन माइनस वन जीरो इंटू एच वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो माइनस थ्री एच टू वन, सॉरी ये होगा ना ओके, ए तो पूरा जीरो हो गया, इधर वन हो गया, इधर माइनस टू हो गया, इधर एच टू वन हो गया, तो एच टू वन आपका क्या आ गया माइनस वन बाई टू। और मैंने यहाँ पे तो बोला कि अगर एक्स नॉट जेड से बिलोंग कर रहा है तो पी एक्स नॉट भी जेड से बिलोंग करेगा, बट यहाँ तो जेड से बिलोंग ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो गलत आ गया ना, तो ऐसे एच टू कहाँ का मेम्बर था हमारे, इस एस का मेम्बर था, इसका मतलब ऐसा तो कोई एच वन एच टू सिमिलरली हम दूसरे को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ये हुआ कि हम एफ एक्स को इस टाइप से नहीं लिख, क्योंकि एच टू ऐसे मिला ही नहीं तो एच टू गलत हो गया ना, तो इसका मतलब हम एच ही नहीं लिख सकते, एच ही नहीं लिख सकते, इसका मतलब एफ एक्स ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब एक भी पॉलीनोमियल उस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, स्क्रीन में क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे जब हमारे पास कुछ उसमें गया ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, इम्पटिव हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो बोलो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ जो बार बार आपको काम पड़ेगा, क्योंकि वो छूट जाएगा तो फिर हम लोग ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, जो है सबसे इम्पोर्टेंट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मैं उसको भी बता रहा हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं, सिंपली मान लीजिए आपको बहुत सारे इक्वेशन क्वेश्चन दिए रहते हैं, एज्यूम कर लीजिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करवाता हूँ, एक्स कंग्रुएंट मोड कुछ इसको ए वन नाम दे दीजिए, क्लियर रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसको इसको एक्स वन मान लीजिए, सॉरी ये तो हम
बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इसको करवा के इसको मतलब एक सेम ही रहेगा इधर कुछ ए टू ए वन मान लीजिए मोड एम टू मान लीजिए और इधर कुछ मान लीजिए ए थ्री, ठीक है इस टाइप का। तो इस टाइप का बहुत सारे दे सकते हैं। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसमें हमारे पास एक रिजल्ट है या थ्योरी जो भी कह लीजिए कि अगर ये सारे आपस में को प्राइम हो, को प्राइम का मतलब एम वन एम टू के साथ जी सी डी वन दे रहा होगा, एम वन एम थ्री के साथ भी जी सी डी वन दे रहा होगा और एम टू एम थ्री के सभी आपस में एक दूसरे के साथ, ये नहीं कि इस दोनों का इस दोनों को देखना, सभी का एक दूसरे के साथ देखना है। अगर ये सारे को प्राइम हो रहे हैं, को प्राइम मतलब सबका जी सी डी वन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक आता है और ये सारे एक हमारे सेम ही है। अगर ऐसा होता है तो इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ऐसा करो कि इस एक सारे एम वन एम टू का प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ कैपिटल एम, ठीक है, और एक कैपिटल एम आई मैं डिफाइन कर लेता हूँ कैसे, एम आई बाई और स्मॉल एम आई, ठीक है, ये दो चीज ले लिया, तो मैंने दो चीज ले ली, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास इधर पाला है a1 तो उसको a1 ले लीजिए, फिर यहाँ से पाला के करस्पॉन्डिंग करें तो कैपिटल m1, ठीक है, यहाँ पे इस m1 का इनवर्स, ठीक है, m1 था तो m1 के रेस्पेक्ट में मोड m1 प्लस, इसी तरह सबके लिए करते जाना है। अब नेक्स्ट पाएंगे तो a2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m2 इनवर्स हो जाएगा मोड स्मॉल एम टू हो जाएगा, इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा कहें कि आपको बुक में ये चीज मिलेगा एम वन एक्स वन नहीं, अच्छा यहाँ पे एक्स वन एक्स टू यूज नहीं हुआ ना, तो आप एक्स वन लिख सकते हैं प्लस ए टू एम टू एक्स टू, इस टाइप से दिया रहता है और फिर बाद में बोलेगा कि जहाँ एक्स आई क्या है आपका कैपिटल एम आई का इनवर्स मोड एम आई, या फिर इस टाइप से दे देता है कैपिटल एम आई एक्स आई इक्विवेलेंट टू वन मोड और स्मॉल एम, ये इस टाइप का दिया रहता है, ठीक है, तो ये तरीका, तो इसी के रिजल्ट पर जस्ट बेस्ट विदाउट कैलकुलेशन के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, क्या टाइम हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें कम ध्यान क्या देना है, इनके अगर ये सारे स्मॉल m1 m2 m3 ये सारे जे भी दिए रहेंगे, अगर सारे को प्राइम होते हैं तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब यहाँ से a कैलकुलेट करने का तरीका है, यहाँ से आप निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इजीली क्लियर होगा, अपने क्वेश्चन जो नेट में पूछा हुआ है वो लेते हैं। क्वेश्चन मैंने ले लिया एक्स वन वन मोड थ्री, फिर ले लिया टू मोड फोर ले लीजिए, ठीक है, थ्री फोर इसको थ्री ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपली। अब हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या मान लीजिए इसको हमें सोल्व करना है, तो मैं इससे आपको यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक बार डाटा सारा निकाल लें तो m1 हो जाएगा 3, m2 हो जाएगा 4 और m3 हो जाएगा 5, क्लियर। यहाँ से कैपिटल M क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पंचों के बीच दें 60 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो हमें मैंने बोला था कैपिटल एम आई का भी काम पड़ा था, तो m1 भी निकाल लेते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा 60/3 इक्वल टू 20, M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 60/4 इक्वल टू 15 और M3 क्या हो जाएगा 60/5 इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 12, ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया 20, 15 एंड 12, ठीक है।
और यहाँ पे इसको भी नोट कर लेते हैं, ए वन वन है, ए टू टू है, ए थ्री थ्री है, ए वन टू थ्री है, ठीक है। तो यहाँ से हमें चूंकि जी सी डी ऑफ एम आई एम जे इक्वल टू वन फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आप तीन का तीन के साथ लोगे तो मन थोड़े ना आएगा, तीन का चार के साथ वन है, तीन का पाँच के साथ वन है, चार का तीन के साथ वन है, चार का पाँच के साथ वन है, पाँच का चार के साथ वन है, पाँच का तीन के साथ वन है, ये हो गया। इसका मतलब आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा क्या था, शुरू में ए वन था, ठीक है, ए वन था, फिर कैपिटल एम वन था, फिर एम वन का इनवर्स था किसके रिस्पेक्ट में, इसी स्मॉल एम वन के रिस्पेक्ट में, फिर यही चीज रिपीट होता जा रहा था, फिर ए टू एम टू, एम टू का इनवर्स मोड एम टू, ठीक है। तो हम एक ही से शुरू करते हैं, ए वन हमारा क्या है वन, एम वन क्या हो जाएगा, ये पहले तुमने सोल्यूशन निकल दिया यहीं से आपका काम हो जाता है, लेकिन कहीं अगर सोल्यूशन पूछता है तब के लिए ये चीज करना है, वो क्या हो जाएगा वन, ए होल का कंग्रुएंट होता है कैपिटल एम मोड इसके रिस्पेक्ट में होता है, ओके वन, एम वन क्या होता है आपका 20 है, 20 इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में मोड थ्री प्लस यहाँ पे टू आ जाओगे, सेकेंड हो जाएगा टू फिफ्टीन, फिर 15 इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में फोर के रिस्पेक्ट में, प्लस थर्ड में हो जाएगा आपका ए थ्री क्या है थ्री कैपिटल एम वन एम थ्री 12, फिर 12 का इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में मोड फाइव के रिस्पेक्ट में, और एक होल का हो जाएगा मोड कितना था 60, मैं यहाँ पे 60 लिख दे रहा हूँ, अब इसको सोल्व करिए तो हो जाएगा 20, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा अब देखो 20 का इनवर्स क्या होगा मोड थ्री के रिस्पेक्ट में, तो अब आप लोग को यहाँ से बात आती है कि इनवर्स निकालने के बारे में, ओके। तो ऐसे एक मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, जो हम लोग थोड़ा देर पहले क्या था ए एक्स अगर ए एक्स कंग्रुएंट वन मोड कुछ भी एन होता है तो हम बोलते हैं ए का इनवर्स एक्स है, एक्स का इनवर्स वन है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हमें इसका सोल्व करना है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए, अगर हम इसको पूरे को एक्स मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20 मोड थ्री, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 20 एक्स, हमें एक्स ही निकालना था यहाँ पे वन मोड थ्री। अब यहाँ पे आपको वो देखना है वो एक्स वैल्यू जिसके लिए ये मोडलो थ्री के रिस्पेक्ट में वन दे, अच्छा 20 को हम लोग और सिंप्लीफाई करके 2x लिख सकते हैं, इसका मोड थ्री में वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2x मोड थ्री, अच्छा x 1 रखोगे तो 2 देगा, नहीं 2 रखोगे तो 4 देगा, 4 का मोड थ्री के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका सबको समझ में आ गया, तो हम बोलेंगे कि 20 इनवर्स मोडलो 3 इक्वल टू हो जाएगा 2, टू ए है आपका इसका इनवर्स, ये तरीका है निकालने का, ठीक है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, ओके। तो मैं अब पीछे आता हूँ जहाँ पे हम लोग छोड़े थे वहाँ से, बाकी भी आप लोग जल्दी निकाल के बताइए, कैलकुलेशन आपको करना है ना एग्जाम में, मिट क्यों नहीं रहा, कोई बात नहीं मिटेगा तो जबरदस्ती में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने बताया आया आंसर 2, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 30, अब ए कितना आया कोई बताओ, 15 चौके 60 ये आ जाएगा कितना आया, उसमें इनवर्स निकाले थे तो 3 आया था सेकंड वाले के, ओके मैं आप ही का मान के दे रहा हूँ, फिर कोई थर्ड भी बता दो, 5 × 10 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 इसका भी 3 होगा आई थिंक सो, यही आपका अभी तो कैलकुलेशन है आप कर लेंगे इजीली, जो भी होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पेंट करते हैं, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं टाइम लूंगा मैं, जो इसी पे डायरेक्टली बेस्ड है कि 2018 का ही क्वेश्चन है, देखते हैं।
ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना सबको? पहले इसमें दो चीज है, सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये बताता है कि अगर हमने ये बोला है पार्टिकुलर कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपके पास एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब होगा तो क्या होगा, तो ये बताने का तरीका ए है, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ, अच्छा जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन देखिए, ये 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 80 जो हमने किया अभी, देख रहे हो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉरी 4.75 मार्क्स में पूछा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्योरी के साथ उनको कवर करते जाएँ। मैं डायरेक्टली इनसे आ जाता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए एक बार, मैं सोचा था शायद खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। कहता है कि गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, यहाँ पे हिंट है कि ए और बी इंटीजर है, वैसे भी सबस्क्रिप्ट में ए भी आता है। डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लेस देन 100 सच दैट दिस एंड दिस, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बोल रहा है कि एन ए बी 1 होगा, इतना होगा, ये बोल रहा है एक भी नहीं होगा, ये बोल रहा है ऐसा हुआ तो ये चीज होगा, देखते हैं। इसमें देखिए दो कंडीशन दिया हुआ, मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए, देख रहा हूँ कहाँ पे जगह है, ठीक है, इतना में आई थिंक अपना काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला के कॉन्ग्रुएंट ए 9 है, दूसरा ये को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और दूसरा दिया हुआ है के कॉन्ग्रुएंट बी 11, ठीक है, ये दिया था। अच्छा आपको याद हो तो वेरी फर्स्ट डे हमने क्या किया था कि अगर इन दोनों का जीसीडी इस दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तब इसका सॉल्यूशन होगा, याद आया? तो एक क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड हो गया। यहाँ पे एन ए भी क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं ना इस दोनों को सोल्व करके, ठीक है। तो ये बोला कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है, जो होंगे देखा जाएगा, जो भी होंगे तो वही बताना है कि जहाँ के क्या है 100 से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ दो कंसेप्ट एक तो लगाएंगे, दूसरी बात एक हमारे पास था, अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तब तो बात खत्म है, अगर इस दोनों का डिफरेंस डिवाइड नहीं करेगा तब तो, अगर डिवाइड कर दिया तब तो सोल्यूशन होगा, नहीं किया तो डायरेक्टली बोल देंगे नहीं होगा, लेकिन अगर कर गया तो फिर से देखो तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो जस्ट हमने पहले पढ़ा उसका एप्लीकेशन होगा क्या, अगर इस दोनों का जीसीडी 1 है तो सोल्यूशन यूनिक हो जाएगा, ओके। एक ए लगाते हैं और एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको जस्ट याद था अभी जस्ट करवाया, और एक हमारे पास ये वाला चीज है कि अगर इस दोनों का डिफरेंस जीसीडी इस दोनों का डिफरेंस को डिवाइड किया तो हो जाएगा, ओके, देखते हैं। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ, यहाँ पे 9 और 11 का जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब सॉल्यूशन तो इसका मिलेगा, पक्का मिलेगा, और ये कितना है, 1 है, तो यहीं पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए, 1 है तो एक, हाँ यहाँ जीसीडी आपका 1 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन 1 मिल जाएगा बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने उससे पहले पढ़ा था उससे तो ये था कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा अलग इश्यू था, अब हमने जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया तो ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तब यहीं पे आगे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ओके, ये बोल रहा है कि इतना इज इक्वल टू 1 फॉर इंटीजर ए एंड बी, किसी जो भी कुछ इंटीजर्स आप लो, सॉरी फॉर ऑल इंटीजर, कोई भी इंटीजर लो आप, इसके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसमें बिल्कुल सही, हमारे पास यही है ना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बोल रहा है कि ऐसे ए भी मिलेंगे जिसके लिए इसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, कहाँ से एक से ज़्यादा होगा, जब हमने पहले ही बोल दिया यूनिक से, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से एक खत्म। ए बोल रहा है एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका जीसीडी डिवाइड कर रहा है, सॉल्यूशन पक्का होगा, तो ए भी खत्म।
तीसरा बोल रहा है कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा सदिश का एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो जब यहीं से गलत सोल्यूशन होगा तो हम आगे बात क्या करें। तब बोल रहा है कि अगर सोल्यूशन एक भी सोल्यूशन नहीं होगा तो एस सी एन डी सेटिस्फाई ये करेगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली जी सी डी वन है तो सोल्यूशन पक्का होगा चाहे कुछ भी रख लो, ए बी से फर्क ही नहीं पड़ता। जी सी डी कुछ और होता तो हम लोग कुछ सोचते भी, बट यहाँ जी सी डी वन है तो वन तो हर एक इंटीजर को डिवाइड करेगा ना, आप ए बी कुछ भी लो, कुछ भी उनका डिफरेंस आएगा उनको तो डिवाइड करेगा। तो देखो कितना क्विकली हम लोग कर दिए सिर्फ, तो इसमें एक पहले दिन हम लोग जो पढ़ा था वो लगा, दूसरा चाइनीज रिमाइंडर लगा। चाइनीज रिमाइंडर पर बेस्ट और भी क्वेश्चन पूछे मैं, आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आप उसमें भी देख सकते हैं। तो कल इसका लास्ट क्वेश्चन लास्ट होगा, कल के बाद नंबर थ्री हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो कल का जितना अब तक का क्वेश्चन पूछा हुआ मैं डायरेक्टली वहीं से शुरू करूंगा। कुछ चीज़ें आपको बताने को आ गया है जैसे आयलर्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इसमें डायरेक्टली हाँ जी तो सर फिर से बता दीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। ओके हमने एक दिन पढ़ा था वो क्वेश्चन कब का था, उसमें कुछ था एक्स कंग्रुएंट ए मोड एन ले लो और एक्स कंग्रुएंट बी मोड एम ले लो, ठीक है। तो एक कहता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर एम एन का जो जी सी डी है कुछ भी हो, डी हो, ए डिवाइड किसको करेगा, ए बी के डिफरेंस को। उस दिन तो आप ही फर्स्ट पहला वो आंसर करेक्ट बता दिए थे, याद आया आप? हाँ, तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर डिवाइड किया तो, बाकी बात में देखते हैं। ये बोला कि कोई भी इंटीजर ए और बी आपको दिया हुआ और ए बी क्या कर रहा है, कर रहा है तो यहाँ पे बस एन ए बी से समझ नहीं आ रहा क्या एन ए बी जो है ना ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर है जो इस ए बी पे डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं एन सिर्फ आप इसको समझिए कि कैपिटल एन है। वो क्या है हम किसी मान लें कि वो ए बी पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ ए बी क्या है ए ए वाले ए हैं और ए वाले बी हैं, ठीक है। ए बोला कि इस ए बी पे डिपेंड गिवेन इंटीजर्स आपको ए बी दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है कोई भी इंटीजर दिया हुआ है उस पर बेस्ट हमने बताया कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ये क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, मतलब आपका के क्या है और इवन तो ये क्या है 100 से छोटा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर वन से ग्रेटर देन होगा तो टोटल 99 ही पॉसिबिलिटी हुआ ना आपके पास, ठीक है। तो जो इनको सेटिस्फाई करते हैं यहाँ से अगर हम सोल्व करके एक्स निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ही बोलेंगे ना। Yes. तो ये इनका एन ए बी उन सारे के का कलेक्शन है जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, हमें फाइनली के बताना है कि के कितने होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे। अब जो मैं थोड़ा देर पहले एक इंटरवल की बात कर रहा था आपको याद आया तो जीरो से फोर वाला बताया था, फिर 14 बताया था, तो उसमें क्या था कितने सॉल्यूशन हो रहे थे। तो आप देख रहे होंगे ना जैसे अगर हम मॉडुलो एन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एन सेगमेंट में आप बांटेंगे तो हर एन सेगमेंट के बाद आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैंने मॉडुलो 2 की बात किया तो हर दो दो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो हर दो के बाद एक सोल्यूशन मिल जाएगा चाहे आप कहीं से शुरू करें। तो इसलिए हमने लिस्ट इंटीजर लिया था उसका डिवाइड करने के बाद। ओके इस सब को हम अभी स्किप करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो सब कुछ सेटिस्फाई कर गया तो मैक्सिमम 99 होगा, ये वन ऑफ केस में। तो हमें बताना है कि वो टोटल कितने नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब टोटल कितने सोल्यूशन होंगे, टोटल कितने के वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हमें फाइनली सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो एन ए बी में टोटल 0 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक सोल्यूशन मिला तो एक हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा मिले तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, फाइनेटली में नहीं, और इनफिनेटली में नहीं मिल रहा तो इनफिनेटली में नहीं होगा। अब हम देखते हैं कितना सॉल्यूशन, यस हाँ ठीक है बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्यूशन तो मिलेगा सर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से 9 और 11 का जीसीडी 1 हो रहा है। तो वहां पहुंचने से पहले जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था उसी को लगा लेते हैं, 9 और 11 का जीसीडी 1 है सो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा वो अलग इशू है, कितने मिलेगा अलग इशू है। यहाँ से थर्ड ऑप्शन चला गया, ये बोल रहा है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस ए बी पे डिपेंडेंट, और हमने देखा कि ए बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 9 और 11 का जीसीडी 1 हो रहा है तो आप ए बी कुछ भी लो ऑलवेज डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस ए बी से तो हमारे फ्री हो गया ना कि सोल्यूशन मिलेगा। तो फोर्थ बोल रहा है कि आप अगर ये मतलब ये 0 होगा तो हमें एक सी और डी मिलेगा, वो ए गोली मारो ना कभी भी ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे ए बी अब कुछ आ जाता ना ए और बी के टर्म में तो हम बोलते कि ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो उस दिन क्या था हमारा,
लास्ट वाले में कुछ 12 आया था, उसको शायद किसी से था डिवाइड नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उस केस में होगा कि हम लोग ये चीज लेंगे तो ही डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ ये भी तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब सी और डी चला गया। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसका जीसीडी 1 आता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। ये बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं, एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा, तो गलत, क्योंकि फिर तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर देगा ना। एक खत्म हो गया था हमारे पास, एक ही बचा और यूनिक ही आ रहा था, शुरू खत्म हो गया, मतलब ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, और भी चाइनीज रिमाइंडर पर बेस्ड है तो कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और कल कोशिश करूंगा सारा कुछ खत्म हो जाए आपका नंबर थ्योरी का। आप लोग अपने से ट्राई करेगा, सबके पास नंबर थ्री का नोट्स होगा ही, और बाकी जो भी क्वेश्चन हो ट्राई करेगा, कुछ क्वेश्चन जो भी होगा मैं ट्राई करूंगा सब क्वेश्चंस करवाने के लिए। अभी देख के लैंग्वेज में बहुत टेढ़ा लग रहा था, लेकिन इसको समझिए तो कितना ईजी है, कोई भी कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, यही सब होता है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।